सीटें कम क्यों आई, इसकी समीक्षा की जाएगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद पता लगेगा कि क्या कारण रहा। बाकी कोई कांग्रेस को इतराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे थे हम चोपड़ा साफ कर देंगे और हम साफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10-20 सीटें उनकी ज्यादा आ गई और स्पष्ट बहुमत उनको भी नहीं मिला है। आपका एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही था नेचुरली, जिसकी सरकार होती है। फिर राजस्थान की परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसका भी फैक्टर था। और लोगों को ये लगता था कि भाई इस बार सरकार परिवर्तित होगी, इसलिए और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो था ही था। आपका जहाँ तक सवाल है, मालवीय नगर में मालवीय नगर बीजेपी का था, बीजेपी का है और बीजेपी का रहेगा। और इस बार कुछ हमारे ही लोगों ने कार सेवा करने की कोशिश की, उनको चिन्हित कर लिया गया है और इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई भी करेंगे। पर कोई खास बात नहीं है, वोट चाहे एक वोट से हो चाहे लाख वोट से हो, जीत जीत होती है। अमित शाह और योगी को नकार दिया बिल्कुल इनकी। देखिए कांग्रेस जहाँ जहाँ उन्होंने सभाएं की है, कांग्रेस को तो ये कहना ही चाहिए क्योंकि वो अभी जीते हैं, पर वो कोई इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो जीते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा बहुमत से, जिस प्रकार हम पिछली बार 163 जीते थे और वो 21 में सिमट गए थे, ऐसी जीत नहीं हुई। और लोकसभा के चुनाव में हम इसका बदला ले लेंगे।